हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। फर्स्टली आप सबको अ वेरी वेरी हैप्पी छठ पूजा। जो लोग हिंदू हैं उनको पता है कि छठ पूजा एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है जो अधिकतर लोगों के घर में सेलिब्रेट होता है। तो आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। आप लोग अच्छे से छठ पूजा मनाइएगा और जो हिंदू नहीं हैं उनको भी हैप्पी छठ पूजा। आप लोग कम से कम जाकर के घाट पर देख तो सकते ही है। तो चलिए छठ पूजा के विश को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो पॉडकास्ट में बात होने वाली है मैडम साहिबा की। मैडम साहिबा ने ऐसा चीज़ कर करके दिखाया है जो आज तक मैडम ने 3 साल में कभी भी नहीं किया। आप इनके प्रीवियस के सारे ब्लॉग्स उठा करके देख लो, इनके चैनल पे जा करके देख लो, जो काम मैडम ने आज किया ना, आज से पहले मैडम ने ये काम बिल्कुल भी नहीं किया था। मतलब जनाब ने इतना मजबूर कर दिया मैडम को कि मजबूरन मैडम को ये काम करना पड़ा। तो वेल, अधिकतर लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, और जो ना समझे वो उनके 3 मिलियन फुल फॉलोवर्स ही हैं। जो नहीं समझे होंगे एंड जो समझ गए होंगे वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो चलिए मैं डीपली बता देती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो जो प्यारी मैडम साहिबा है, उन मैडम साहिबा ने आज फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे रील्स डाली हैं, यानी शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं। एंड वो भी सिर्फ और सिर्फ किस लिए? जनाब के लिए वोट मांगने के लिए, जनाब के लिए भीख मांगने के लिए। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आता कि जब आपको पता है कि आपके जनाब अच्छे डांसर हैं, वो डांस कर रहे हैं, उनसे गलतियां होंगी तो उन्हें कमेंट के थ्रू पता चल जाएंगी कि क्या क्या गलतियां उन्होंने की है, उस पर वो काम करेंगे एंड आगे जा करके वो प्रोग्रेस करेंगे या नहीं करेंगे वो उनकी मर्ज़ी। एंड अगर ऑडियंस को पता चल जाएगी, अगर ऑडियंस को समझ में आएगा कि हाँ अच्छा डांस कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली उसे वोट करेंगे। ये तो ऑब्वियस है कि उससे वो वोट करेंगे ही करेंगे। तुम ज़बरदस्ती जो भीख मांग रही हो बार बार, वोट कर दो, वोट कर दो, वोट कर दो, वोट कर दो, अरे यार मैडम इतना जो दोगलापन है ना, वो मत दिखाओ अपने ब्लॉग्स में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के जनाब एक सेलिब्रिटी है और वो ही जाकर के वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। कभी किसी ने दिव्यांका को देखा है कि वो वोट्स के लिए भीख मांग रही है अपने हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड विवेक के लिए? कभी भी किसी ने देखा कि दिव्यांका ने भीख मांगा है या कहीं जाकर के बोला होगा कि प्लीज़ विवेक को वोट कर दो, प्लीज़ विवेक को वोट कर दो? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसके हस्बैंड में वो टैलेंट है, वो अपने टैलेंट के थ्रू वो वोट कमाएंगे एंड वोट के थ्रू वो शो जीत जाएंगे। लेकिन इस मैडम को ना अपने हस्बैंड पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि इससे तो आदत है। मतलब 1 साल काम करना है, 3 साल घर पे बैठना है, कोई भी शो कर ले, चाहे वो 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, 2 साल का हो, देन उसके बाद ये जनाब घर पे ही बैठ जाते हैं। इसका शो चलता ही नहीं है लॉन्ग टर्म। तो इसे मालूम है कि जब ये शो लॉन्ग टर्म नहीं कर पाता, जहाँ पर कि सब कुछ स्क्रिप्टेड रहता है, सब कुछ बताया हुआ रहता है, सब कुछ पता रहता है कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, तो यहाँ तो खैर कॉम्पिटिशन चल रहा है। यहाँ तो हल्की सी भी गलती अगर आपकी हो जाएगी देन फिर बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। एंड इवन इसे ये डर भी है कि जैसे ये फर्स्ट एलिमिनेशन में एलिमिनेट हो गई, कहीं उसी तरह जनाब आप भी एलिमिनेट नहीं हो जाए। तो मैडम, आप जो ये भीख मांग रही हो बार बार वोट्स की, क्यों आपको अपने फॉलोअर्स पे भी भरोसा नहीं है? चलो जनाब पे तो भरोसा नहीं है, लेकिन अपने फॉलोअर्स पे भी भरोसा नहीं है कि आपके जो इतने इतने फॉलोअर्स है, 3 मिलियन आपके, 3 मिलियन जनाब के, 3 मिलियन सभा के, 9 मिलियन तो ऐसे ही हो गए, 9 to 10 मिलियन तो फॉलोअर्स होंगे ही, तो 10 मिलियन फॉलोअर्स के वोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। एंड बाकी बचा कुचा इधर उधर से, तो वो सब के लिए तो आपने पैतरा लगाया ही था, वो दिवाली वाला कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली कर करके कि देखो मैं दोनों धर्म के रिलीजन को फॉलो करती हूँ एंड दोनों तरफ के ऑडियंस जो है वो प्लीज़ शोएब को वोट करिएगा। तो इन सब के लिए तो आपने पैतरे लगा ही लिए, लेकिन फिर भी बार बार भीख मांगना, प्रॉपर वे में व्लॉग्स लाना, प्रॉपर वे में ये करना, शॉर्ट्स ला करके वहाँ पे वोट के लिए भीख मांगना, ये सब हरकतें छोड़ दीजिए मैडम। आप भिखारी हो मालूम है, लेकिन इतनी भी भिखारी पंती मत दिखाइए। मैडम की एक और दोगला पंती इनके व्लॉग में नज़र आई, जब इन्होंने दिवाली वाला ड्रेस पहना। मतलब इसे दिवाली का मीनिंग बिल्कुल भी नहीं पता है कि दिवाली किस लिए मनाया जाता है, क्या रिचुअल्स हैं, क्या उसमें ये है। जनरली हर इंसान को इस बारे में पता है, छोटे से छोटे बच्चे को भी अगर आप कभी कोई फेस्टिवल आता है ना, तो उन्हें भी ये कहा जाता है कि ब्लैक कपड़े नहीं पहनना है बेटा, पूजा पाठ में इंसान ब्लैक कपड़ा नहीं पहनता है। इसे दिवाली का कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी रिचुअल्स मालूम नहीं, कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ वोट्स गेन करने के लिए, भीख मांगने के लिए, अपने आप को होशियार, काबिल, बहुत महान दिखाने के लिए इसने जाकर के दिवाली पे एक शूट कर लिया, एक रील बना लिया, अपलोड कर दिया। इसे ये तक नहीं पता है कि दिवाली के दिन क्या किसी भी फेस्टिवल के दिन में ब्लैक नहीं पहना जाता। किसी भी पूजा में आप जाओगे तो वहाँ पर ब्लैक नहीं पहना जाता।
और दोनों ने एकदम काले काले कपड़े पहन करके रील्स अपलोड किए हैं, हैप्पी दिवाली कर करके। मतलब अधिकतर ऑडियंस के यही कमेंट थे इसके ब्लॉग में कि इनको रिचुअल्स तक पता नहीं है, दिवाली का एग्जैक्ट मीनिंग तक पता नहीं है इन लोगों को कि दिवाली किस लिए मनाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने अपना इंप्रेशन अच्छा बनाने के लिए इन लोगों ने रील्स डाल दिया, ब्लॉग्स लेकर के आ गए कि हैप्पी दिवाली, और ये भी नहीं पता कि दिवाली के दिन ब्लैक कपड़े नहीं पहने जाते हैं। मतलब इतने ज़्यादा दोगलेपन है इन लोगों के अंदर में। इवन इसके साथ साथ ये लोग कभी भी अपने मम्मी पापा को एक साथ होने नहीं देते। जब इसके पापा आए दिवाली के टाइम पर तो मजाल है कि इसकी मम्मी कहीं भी नज़र आएगी, वो तो पूरे घर से ही बाहर हो जाती है। मतलब इसके 5 BHK वाला जो जहान है, जो घर है, वहाँ पर कभी मम्मी नज़र आती ही नहीं है जब उसके पापा आते हैं। अरे यार, वो अलग बात है कि दोनों में आपस में बातचीत नहीं होती है, दोनों में कोई वैसा बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट अगर तुमसे मिलने ही आते हैं उसी बहाने, अगर वहाँ पे तुम्हारी मम्मी भी प्रेजेंट रहे तो हो सकता है कि दोनों के बीच में फिर से कोई बातचीत स्टार्ट हो जाए, कुछ बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाए। मगर नहीं, इन लोगों को कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ करने का भी मन है कि हाँ दोनों कभी एक साथ हो। जब पापा आएंगे तो मम्मी को आउट कर देती है, जब मम्मी रहती है तो पापा को ही नहीं बुलाती है। मतलब समझ नहीं आता कि परिवार रिश्ते पे इतना ज्ञान पेलते रहती है दिन भर दिन। जब व्लॉग आएगा तब एक ना एक ज्ञान इसका परिवार और रिश्ते पे आता ही आता है, लेकिन मजाल है कभी भी अपने मम्मी पापा के रिलेशनशिप को फिर से सही करने के लिए, दोनों के बीच में फिर से बॉन्डिंग, प्यार, ये सब कुछ करने के लिए, कम से कम नॉर्मल कन्वर्सेशन भी हो जाए उसके लिए भी कम से कम कुछ कोशिश करते होंगे ये लोग। कभी नहीं, कभी भी आप इनके व्लॉग्स में नहीं देखोगे ये चीज़ कि हाँ कभी इन लोगों ने ऐसा किया है। मतलब इतने दोगले हैं ये लोग, इतना दोगलापन भरा हुआ है इन लोगों के अंदर। जनरली क्या होता है कि जब बेटी का घर बिगड़ा हुआ रहता है तो माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं कि दोनों उसका घर अच्छा हो जाए, उसके अपने दामाद से बात करते हैं, बेटी से बात करते हैं कि दोनों मिल करके अच्छे से रहे। तो क्या बेटी का फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं भी ये चीज़ करूँ, अपने मम्मी पापा को एक साथ लाने की कोशिश करूँ? जो औरत, जो लड़की रिश्तों पर इतना ज्ञान देते रहती है, जो 24 घंटे अपने पति के आगे पीछे नाचते रहती है, एकदम कुत्ते की तरह आगे पीछे दुम हिलाते फिरती है, क्या उसकी ज़रा से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो अपनी मम्मी पापा के लिए भी कुछ करे, उनके रिलेशन को सुधारने के लिए भी कुछ करे? नहीं, वो पहले बात अलग थी कि तुम्हारे पास में उतना सब कुछ था नहीं, तुम इस केपेबल ही नहीं थी कि तुम उन लोगों को रख सकती थी, या फिर उनको एक साथ एक जगह पे कहीं पे घूमने के लिए ट्रिप पे भेज सकती थी, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो कुछ कर करके इंसान कोशिश करता है कि रिलेशनशिप सुधर जाए। लेकिन अब तो तुम इतनी स्टेबल हो, खुद के भी पैसे हैं, जनाब के भी पैसे हैं, घर भी है, उस घर में मम्मी भी रहती है, तो कभी ऐसा कुछ किया हो इसने कि हाँ आज सरप्राइजली पापा को बुलाया हो, मम्मी को भी बुलाया हो, दोनों को साथ में बात करवाया हो? ठीक है, उस चीज़ को आप व्लॉग में मत दिखाओ, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम कोशिश तो करो, कोशिश तो कर सकती है ना। लेकिन मजाल है, मैडम साहिब एक मच्छर मरता है वो तो वो अपने ब्लॉग में दिखाती है। तो अगर इस तरह की कोई कोशिश भी इसने की होगी तो वो 100% ये ब्लॉग में दिखाती है, लेकिन इसने कोशिश ही नहीं की है तो ये ब्लॉग में दिखाएगी क्या? इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इसके मॉम डैड अलग रहते हैं, इसे सिर्फ अपने आप से मतलब है कि मुझे तो लग्जरियस लाइफ मिल ही रही है, लग्जरियस हाउस भी मिल गया है, पति है, बच्चा है, घर है, परिवार है, भले घर परिवार से मतलब नहीं रखती है लेकिन बाकी सब कुछ तो पूरा हो ही गया, तो चलो क्या ही फ़र्क पड़ता है, माँ अलग रहे, पाप अलग रहे, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपनी लाइफ जी रही हूं ना। ये है इनके दोगले पंती की निशानियां, और ये है इनका दोगलापन जो इनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। खैर, इनकी दोगला पंती की अंत करते हुए मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करती हूं। मिलती हूं आप लोगों से मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।